ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, जिस पे शिव की कृपा हो जाए वो कोई भी पीक क्लाइम कर जाए, और कठिन से कठिन भी जो परिस्थिति है उसमें फतेह हो जाए, सक्सेस हो जाए। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ऐसे ही एक भोले के भक्त से, एक क्या सारे, बहुत सारे भोले के भक्तों से, जिन्होंने अभी हाल ही में सतोपंत पीक फतेह किया है, जो कि बहुत आसान नहीं है, जिसमें 1100 मीटर का क्लाइम आपको एक बार में करना होता है, और बहुत ही कठिन ये माना जाता है सतोपंत पीक। और दोस्तों, जो कि आप कह सकते हैं कि एवरेस्ट के बाद इसी का नाम आता है। तो मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको, और उनसे पूछेंगे उन्होंने किस किस प्रकार से ये जो है पीक को सबमिट किया, क्योंकि मैं भी जब वासुकी पहुँचा था तो मुझे पता चला कि कुछ जो है लोग आए हुए हैं एक्सपेडिशन के लिए, जो कि सतोपंत क्लाइम कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, मैं मिलवाता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम आ गई, क्लाइंबर्स टीम, सतोपंत पीक सबमिटेड। ओ हेलो, क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है, मजा क्या, बहुत मजा आया आप सब लोगों से तो मिलके, रियल में मजा आ गया सच में यार। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग भी जा रहे? नहीं नहीं, हम तो वासुकी से वापस। अच्छा, उस दिन आए थे, बैठे बताया था ना सर से मिले थे। अरे सर, कहाँ से? 2010 विरार, मुंबई, चंडीगढ़, चंडीगढ़ से। वाह वाह सर, योर गुड नेम? नवदीप, नवदीप। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, रियल में मतलब बहुत ही अच्छा लगा सर। हाय दोस्ती फिर से होगी। SM लक्ष्मणा सर हैं, मैसूर कर्नाटक से, वो भी मैनेजर से भी रिटायर हैं, हमारे साथ ही हैं, हम तीन लोग हैं। अरे वाह वाह, अभी मिलने वाले हैं थोड़ा सा आगे। भगवान आपकी यात्रा पूरी सक्सेसफुल हो। बहुत बढ़िया जी, भोले बाबा की पूरी कृपा है। हाँ जी, और आप लोग कर लोगे बहुत, मुझे नहीं लग रहा आपका जो चीयरफुल नेचर लग रहा है ना, उसको देख के तो सब कुछ उससे भी आगे पहुंच जाओगे। थोड़ा सा इनकी परेशानी हो गई थी, अभी तपोवन रुके थे। अच्छा हाँ, हाँ ये आने वाले थे बट वो फिर तपोवन में रुक गए। हाँ, वो SM लक्ष्मणा जी भी वो तपोवन से वो डाउन जाते हैं ना, जब वो रॉक लेने के लिए, वो भी वहाँ पर थोड़ा MS हुआ तो फिर वापस। अच्छा, मैं पिछली बार आया था ना। हाँ जी, तो तपोवन से हम नंदनवन गए थे। अच्छा जी, वो ग्लेशियर देख के मैं भी डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि हम दो ही लोग थे बस। अच्छा अच्छा अच्छा, और एक गाइड था, तीन लोग थे तो हमें पता, हमें सर दूसरी बात, वो रोप पे चढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो भाई साहब, अपना नाम बताइए प्लीज। नमस्कार जी, मेरा नाम है सचिन कुमार, रोहतक जिले से हूँ। रोहतक से? खरक जाटान मेरा गांव है। कौन सा? खरक जाटान। जो खरक जाटान, बहुत बढ़िया जी। देखो जी, हरियाणा वाले तो उतने आ गए सबसे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हरियाणा के। और खेल कूद में तो देखो जी, भारत को पदक जिताने वाले ही सारे हरियाणा के ही हैं ज़्यादातर। बहुत ही सुंदर। तो भाई साहब, कैसा रहा आपका, मतलब ये जो आपका पीक था? बहुत शानदार था जी, बहुत गजब था। अच्छा, तो स्वर्गारोहिणी भी कहते हैं। हाँ जी, 23,350 की फीट आपने क्लाइम किया है, इसकी पीक की हाइट है। हाँ जी, ऊपर का थोड़ा सा जोर से बोलेंगे कि नदी की भी आवाज आ रही है। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोल सकते हैं। ऊपर है ना चोटी का हिस्सा, हाँ जी, थोड़ा सा छोड़ा जाता है, वहाँ माना जाता है कि भगवान का वास होता है चोटी पे। अच्छा अच्छा, इसलिए उसे थोड़ा नीचे से मुक्त हो जाता है। अच्छे अच्छे अच्छे, अरे सर, ओ क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर आइए ना, रुकिए सर, एक मिनट, दो मिनट रुकिए सर, आ रहे हो भी। यही सर मिले थे वो, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा, उधर गप्पे गप्पे मारे उनके साथ, तो मतलब पूछा भाई कैसे रहा क्या रहा। डॉक्टर साहब हमारे और सबसे सीनियर क्लाइंबर थे। हाँ, बताया उन्होंने कैंप वन से और कैंप टू के बीच तक का सफर तय किया, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट लोग ऐसा कर पाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 66 इयर्स की एज है इनकी। हाँ हाँ, और कमाल का जज्बा है। ओ कमाल। तो सर कितना टाइम लग गया अपने को, जैसे नीचे से
वासुकी ताल से समझाइए आप थोड़ा सा। सर हम 10 तारीख को निकले थे गंगोत्री से, 10 को गंगोत्री से सीडवासा होते हुए हाँ बोधवासा पहुँचे। ठीक है, उसे नेक्स्ट डे नंदनवन का टारगेट था। ठीक है, हम सोच के चले थे जिस अनुसार पहले टाइम लगता है। हाँ जी हाँ जी, 5 घंटे का। ठीक है सर, परंतु आगे ग्लेशियर टूटा हुआ था। हाँ 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 हाँ, तो आप गोमुख वाली साइड से गए या फिर तपोवन से? गोमुख वाली साइड से गए। अच्छा अच्छा अच्छा, सीधा ऊपर स्ट्रेट जाके जहाँ ग्लेशियर टूटा है उसको फिर राउंड लगाया तीन घंटे का। हमें तो रास्ता ही नहीं मिला, हमने कल बहुत ढूंढा। जाते हुए भी वो उधर से वापसी आ रहे थे ना, तो हमने बहुत ढूंढा, वो रास्ता नहीं मिला हमें, और हम वहाँ से आए और वहीं से ही गए हमने। अरे वाह सर, दरअसल काम ही रास्ता रास्ता बनाने का। लेकिन सर वो बताया था जो आपके वहाँ कुक थे ना ऊपर, उन्होंने मेरे को बताया था कि हमने स्टोन्स लगाए, हमें कहीं मिला ही नहीं स्टोन्स। वो ढूंढने पड़ते थोड़ा आपको सर, दो घंटे ढूंढा सर वहाँ पकड़ बैठ करके, 2 घंटे ढूंढा सर। उसको बोलते हैं कैरन। हाँ कैरन, अपने अगर लोकल भाषा में तो पिट्ठू खेलते हैं। हाँ पिट्ठू रखते थे। हाँ सही बात है, ये पर्वतों में रास्ता ढूंढने का तरीका होता है। हाँ जी हाँ जी, पत्थरों के ऊपर पत्थर रख देते हैं। हाँ पूरे बनाए हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है आपको नजर नहीं आए होंगे। अच्छा बनाए थे आपने, पत्थरों का रंग एक जैसा लगता है। हाँ ये तो खैर है, वहाँ से देखो नंदनवन पहुँचे काफी थके हुए, उसके बाद बेस कैंप पहुँचे हम वासुकी ताल। वो सेम डे अगले दिन। हाँ भोजवासा सीधा वासुकी। हाँ जी नहीं, भोजवासा से पहले नंदनवन रुके ना। हाँ जी। अच्छा एक दिन नंदनवन रुके, फिर उसके बाद बेस कैंप वासुकी। तो बेस कैंप में एक्लेमेटाइजेशन प्रक्रिया चालू हुई। ठीक है, और उसके बाद लोड फेरीज का दौर रहा। अच्छा अच्छा, 4 दिन हम लोगों ने, बाकी टीम के लोगों ने लोड फेरीज की। अच्छा, मैं शेरपाज के साथ आगे शिफ्ट हो गया। अच्छा जी, आगे का रूट ओपन करने के लिए। ठीक है, अच्छा आपने किया जी, क्या बात है सर। फिर हमने ग्रेट कैंप 2 का रास्ता 2 दिन में खोल लिया। अच्छा, ऊपर रोप लगा ली सारे। हाँ, 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 सारा काम हमारा हो गया, फिट कर दिया। फिर हमने 5वें दिन टीम को कैंप 1 में बुला लिया। अच्छा, और हम कैंप 2 में से शिफ्ट होने के बाद आगे का रास्ता खोलने लगे समिट का। अच्छा 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 अच्छा, जो कि समिट कैंप ही है कैंप 2 का। हाँ 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 हाँ, और जी एक जी खास बात आपको अब बता देता हूँ। हाँ जी, हमें मिली वहाँ पे 2005 सन की एक डेड बॉडी। 2005 की डेड बॉडी जी, वो एक महान माउंटेनियर रहे होंगे जो भी हैं। हाँ हाँ हाँ, वो कैंप 1 से आगे मिली थी। अच्छा और अच्छा जी, उसके डिटेल्स बाकी हम जुटाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हमें लग रहा है, अगर जो 2005 का पत्थर लगाया वासुकी ताल में। अच्छा, वो हाँ लगा, एक पत्थर लगा है सर, अमरीश त्यागी जी का कोई नाम से है। अच्छा अच्छा, आर्मी पर्सन रहे हैं वो। अच्छा, आर्मी क्लाइंबर भी रहे होंगे। हाँ हाँ लगा है सर, मैंने देखा। यहाँ से लोकल से बात करने में पता लगा तो वो कहते हैं कि तूफान में फंसे थे वो लोग ना। अच्छा, तूफान आ गया था और तो टीम ने उनको काफी ढूंढा, तब वो किसी क्रेवास में गिर गए होंगे। अच्छा अच्छा, तो वो बॉडी अब ऊपर आई है। अच्छा, तो उसको अभी लाया जाएगा सर, क्या क्या रहेगा उसके बारे? हम नीचे जाके उपयुक्त जो इसके अधिकारी हैं उनको सूचना देंगे जी। अच्छा, जो उनकी आर्मी की बटालियन है। हाँ 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 हाँ, अच्छा लिखा था। तो लोकेशन वगैरह सब लेके आए हैं हम जी? जी जी, नॉर्थिंग ईस्टिंग सब है हमारे पास वहाँ। अच्छा, सब लेके आए हैं। हाँ जी, तो वो उनसे भी सामना हुआ और हमारे लिए तो बहुत अच्छे रहे वो, देखिए। हाँ सही बात है, आशीर्वाद आशीर्वाद मिला उनका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हम कोशिश करेंगे उनकी नहीं है सर, उनकी जो भी निशानियाँ पहुँच सके। अच्छा, प्रयास रहेगा। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। फिर कैंप 2 में, समिट कैंप में हम पहुँचे जी। रात को मौसम ख़राब रहा हालांकि, पर नेक्स्ट डे परमात्मा ने इतना अच्छा मौसम दिया। हाँ, और हम 21 घंटे अच्छा लगातार क्लाइम किया और समिट में कामयाब रहे। हाँ हाँ, प्रभु की कृपा से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये सर प्रभु की कृपा है जी, बिल्कुल भोलेनाथ की कृपा है। सही बात है। दरअसल देखा जाए शास्त्रों में, सभी ने पढ़ा भी होगा, हमारा जब गंगा जी को, माँ गंगे को ऊपर से उतारा गया। हाँ जी, उसमें कामयाब हुए थे भागीरथ जी। हाँ हाँ, और भागीरथ जी जब कामयाब हुए थे उससे पहले गंगा जी के बारे बताया गया था कि इनकी बड़ा तीव्र वेग है। हाँ हाँ, तीव्र वेग, इसको झेल नहीं पाएगी, धरती हिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, तब उनको बतलाया गया था कि आप शिव
प्रभु को प्रकट कीजिए और भगवान शंकर की स्तुति कीजिए, उनकी साधना कीजिए। बिल्कुल सर, भागीरथ ने शिव जी की तपस्या की और शिव भगवान प्रकट हुए और उनसे बतलाया गया कि आप गंगा जी को कहीं स्थान दें। हाँ हाँ हाँ, तो शिव जी ने खुशी खुशी अपनी जटाओं में जगह दी थी। अब गंगा जी को क्या हुआ, गुस्सा आ गया। अच्छा, और वो गुस्सा किस लिए कि मैं स्वर्ग को छोड़ के धरती लोक पे क्यों भेजी सर? ठीक बात है, क्योंकि वो स्वर्ग में रह रही थी। हाँ हाँ, तो उन्होंने जब उतरी अवतरित हुई जी शिव जी की जटाओं में, तो वो गुस्से से बड़े तेज वेग से आए। उन्होंने सोचा कि मैं इनको हिला डालूंगी। शिव जी ठहरे प्रभु के भगवान त्रिलोकीनाथ है ना, उन्होंने सब बनाया, पता लग गया कि ये ऐसा ऐसा चाहती हैं। जी जी जी, शिव जी ने अपनी जटाओं को ऐसे एक बार हिलाया और गंगा जी उन्हीं में उलझ के रह गई, अंदर ही रह गई। जी जी जी, तब भागीरथ को फिर से शिव जी की तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने बतलाया कि मेरे जो पूर्वज हैं उनका उद्धार नहीं हो पाएगा, सगर महाराज जो आप माफ करें इनकी गलती और इनको छोड़े नीचे सर। तो इस कथा पे अगर हम विश्वास करें, शिवलिंग यहाँ चोटी है, शिवलिंग है तो वो शिव जी का शीश हुआ जी। उससे आगे आप वासुकी ताल गए? हाँ मैं गया सर। वो वासुकी नाग जो श्री शिव प्रभु का जो नाग होता है, गली में रहते हैं, वही वासुकी है। हाँ हाँ, वही वासुकी है। और आसपास देखेंगे भागीरथी तीन चोटियां हैं। हाँ सर बिल्कुल है, तो भागीरथ भी कोई। हाँ, और थल्या सागर और ये जो आसपास हैं, खर्चा केदार डोम केदारनाथ और पीछे सब चीजें अगर आप जोड़ के देखेंगे ना। हाँ जी हाँ जी, ये मानिए सारी चोटियां शिव भगवान की जटाएं हैं। हाँ बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, वाकई में आके आप जटाएं हैं, आभास हो गए आपको। हाँ बिल्कुल सर। तो सर कैंप 3 से फिर आपने कैसे किया सर, कैंप 2 से आगे भी? हम लोग आप बड़े समिट कैंप से रात 9 बजे निकले थे। अच्छा, और समिट रहा हमारा लगभग 2 बजे नेक्स्ट डे। अच्छा, और वापसी फिर रात को 9 बजे? रात को 9 बजे निकले थे समिट के लिए ना, और दिन में 2 बजे हुआ जी, क्योंकि ये इंडिया का शायद ही सबसे लंबा समिट है। अच्छा जी, 1100 मीटर सिंगल डे में आपको क्लाइंब करना होता है। ओ 1100 मीटर की अकेले हाइट है, लेंथ भी है। अच्छा, आना और जाना दोनों? जी जी, बहुत बहुत मतलब टफ है सर, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, बहुत बड़ा अवार्ड है ये जो आप करके आ रहे हैं। ये दरअसल हमारा कहें तो कृपा तो भगवान जी की थी। हाँ जी, पर हाँ जी, जो हमने ठाना हुआ था। हाँ जी, जो सभी लोग थे। हाँ हाँ, अलग अलग राज्यों से थे, कमाल की बात बताता हूँ आपको। अच्छा, और सभी का पैसा अलग अलग है। अच्छा, कोई डॉक्टर है। हाँ जी, कोई बैंकर है। अच्छा, कोई मछुआरा है। अच्छा, कोई पुलिसमैन है, यानी कोई पुलिसमैन नहीं, मैं ही पुलिसमैन हूँ, बता। अरे वाह, तो वाह सर वाह, सभी अलग अलग सर, और अलग अलग हरियाणा पुलिस से सर, चंडीगढ़ पुलिस, अलग अलग पेशे से जुड़े हुए। आपने तो सर देखिए अपने डिपार्टमेंट का भी नाम ऊंचा कर दिया है। तो हमारी मुहिम क्या थी इसमें? हाँ जी, अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव माह चला हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल सर, तो हमारा प्रयास था अपने देश की आन बान शान तिरंगे को, हाँ जी, कितनी बड़ी ऊंचाई से हम लहरा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, तो हमारा ये प्रयास सफल रहा है, जय से और सभी के आशीर्वाद से सफल रहा। जय हो भोले बाबा की, जय गंगा मैया की, जय हो। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। तो हमें बस खुशी इस बात की है कि सब ठीक ठाक रहे और कामयाब रहे। अच्छा अच्छा, तो सर कितने लोग थे आप जो क्लाइंबर्स थे? हर एक का नाम बता दो। हाँ बता सकते हैं सर बिल्कुल, मैं सचिन कुमार चंडीगढ़ पुलिस से। हाँ जी, हरियाणा के रोहतक जिले से खरक जाटन गाँव है मेरा। ठीक है सर, पीछे जो आ रहे थे आपने देखे होंगे। हाँ जी, डॉक्टर के सर। ठीक है सर, का है मुंबई से, बेस्ट कर्नाटका के और मुंबई में रहते हैं। हाँ मुंबई, ठीक है। उनके बाद हैं एक हमारे सत्या। अच्छा, सत्या दास जो टाटा फाउंडेशन में काम करते हैं। अच्छा, टाटा में हैं। और उनका है उड़ीसा। अच्छा, फिर हैं रोहित पाटिल। जी जी जी, वो मछुआरा समुदाय से हैं। अच्छा, और थोड़ा सा मुंबई से थोड़ा सा आगे से रहते हैं। अच्छा ठीक है सर, तो महाराष्ट्र से। हाँ जी हाँ जी, फिर हैं नवदीप सूद जी। जी, वो SBI में
असिस्टेंट जर्नल मैनेजर है। ओह बहुत बढ़िया सर। और जो क्लाइंब करने में सक्सेस रहे शायद सबसे ज़्यादा एजुनी किया फिलहाल। अच्छा बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट शेरपा एंड पोर्टर लोग थे। कितने थे सर? दो लोग हाँ बीमार हो गए थे। हाँ एक को तो नीचे डाउन किया गया। उनको हाँ वो बताया सर कंडीशन पे। एक ज्योति मैडम थी। अच्छा गुजरात से। अच्छा ज्योति मैडम गुजरात की थी। और एक अनिल कुमार भी शायद गुजरात से ही थे। वो स्पोर्ट्स पर्सन थे। अच्छा तो वो वापस आए। किलिमंजारो और एल्ब्रुस। अच्छा कर रखे उन दोनों ने। ओ वाओ। पर ये जो पीक है हाँ ये गलती से भी कोई हल्के में ना ले बस। हाँ नहीं सही कह रहे हैं। प्री एवरेस्ट बोला जाता है। हाँ 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 माउंटेनियर्स की बात सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये एवरेस्ट से भी ज़्यादा जोर लेती सही थी मैं। क्या बात है सर। तो नेक्स्ट प्लान क्या है सर आपका? नेक्स्ट प्लान अभी बहुत बड़ा है। अच्छा तो कैमरा पे खोल नहीं पाऊंगा। अरे वाह। अपने सीनियर अधिकारियों से बातचीत करके हाँ 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 तब जल्दी सोशल मीडिया पे डालूंगा। आपके जो डिपार्टमेंट है आपने उनका तो नाम रोशन किया ही है। बाकी आप भगवान की आपके पास आपके ऊपर सदैव ही कृपा बने रहे। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। मैं तो आपके लिए यही प्रार्थना करूंगा जो आपका नेक्स्ट मतलब टारगेट है मिशन है वो पूर्ण हो और जल्दी हो। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भोले बाबा की। जय भोले बाबा।